आपने जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। क्या अर्ज करेंगे? ये कुछ अर्ज करेंगे आप कहना चाहेंगे? खाली देखने के लिए आए। साथ में बैठ जी। जी हाँ, ये देखने के लिए आए कि भाई ये मेहमान आया। अर्ज ये करना है कि भाई बहुत बड़ी नुकसान हो गए जी। गरीब लोग थे, लोग बेघर हो गए, और आजकल एक प्लाट लेना या उसको बनाना ये बहुत मुश्किल काम है। कितने अरसे से लोगों ने अपना जो है ना मेहनत की, कमाई की, जो है ना ये एक जरिया बनाया था बच्चों के लिए जी, वो सारा उड़ गया। गलती है हुकूमत की कि जिस टाइम बनाया जाता है उस टाइम नहीं छोड़ते हैं, और जब लोग तामीरात करके साठ पेंसिल साटती है आबादी है, उसके बाद जो है ना आज इसको मस्मार कर रहे हैं, और लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं, फैमिली है, और लोगों के पास है इसके आजकल खाने के लिए कुछ नहीं है। इस महंगाई के दौर में तो घर क्या बनाएंगे? तो ये इसकी वजह से बड़ी ज्यादती है। इसके लिए सोचना चाहिए कि भाई इस तरह आइंदा के लिए कोई काम ना हो। अगर कोई नाइंथराइज जगह पे जगह बनाए तो पहले से उसको रोका जाए, उसको मना किया जाए। इदारे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद वो लोग रोकते नहीं है। और जब जगह की तामीरात हो जाती है, 50 साल 60 साल लोग वहाँ आबाद हो जाते हैं, सारा जमा पूंजी उस पर लगा लेते हैं, उसके बाद जो है ना आके उसको तोड़ा जाता है, तो ज्यादती है। कभी सोच में था कि ऐसी सूरत हाल पैदा होगी? कभी नहीं। आप लोगों ने सारी जमा पूंजी लगाई? देखो जमा पूंजी सारी लगी है, सारे अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हम लोग को कभी सोचा नहीं। ये 65-70 साल से आबादी है यहाँ पर। जब उस टाइम बनाया जाता था कि ये अनलीगल जमीन थी या कुछ भी था, नाला था या कुछ था, तो उस टाइम मना कर देते। अब उस टाइम मना नहीं किया, लोगों की सारी जो है जमा पूंजी लग गई, और उसके बावजूद जो है अभी इसको इतना बड़ा नुकसान हो गया। इस नुकसान का अजारा जो है मकान से निकल के अपने बात है कि भाई इनको प्लाट देने चाहिए, इनको पैसे देने चाहिए, इनको कुछ ना कुछ तो दे, मुआवजा तो दे ना इनका। ये बेचारे खैर मुसलमान है, बच्चे हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं, आपके पाकिस्तानी है, कोई बाहर से नहीं आए, तो कुछ ना कुछ तो है कि उनके बच्चों का तो कुछ गुजारा हो जाए ना। कोई प्लाट तो दे दो कि अपने लिए कुछ सर छुपाने का जगह तो मिले। बस मेरा बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कुछ कहना चाहते हैं?
चलिए व्यूवर्स, आप इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। जा रहे, खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।